हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये कह दीजिए तो रिश्तों से ज़्यादा महत्व पैसे को देते हैं। कैसे पैसे कमाने हैं, सामने वाले से कैसे पैसे निकलवाने हैं, ये इनको सब अच्छी तरह से आता है। पैसों में माहिर है ये इंसान, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ते वगैरह के लिए उतने ज़्यादा ये सीरियस नहीं रहते, जितना ज़्यादा इनका ध्यान पैसों पर रहता है। और ये पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। दिल का इस्तेमाल यहाँ कम होता है, दिमाग से ज़्यादा काम लिया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पर्सन, ऐसा दिखाई देता है। और ये ऐसे भी है गाइस कि अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर किसी से संबंध इनका बना हुआ है तो वहाँ भी अपना फ़ायदा निकालने से पीछे नहीं हटते। और ये ऐसे हैं कि बिना वजह किसी के साथ दोस्ती है या कोई भी रिश्ता है तो वहाँ पर ये टाइम पास कर रहे हैं या उसके लिए इमोशनल है, ऐसा दिखाई नहीं देता। इनका यही रहता है कि वहाँ से क्या फ़ायदा मिल रहा है, तब तो ये वहाँ समय देंगे, वहाँ अपनी एनर्जी देंगे। तो इस टाइप का इनका दिमाग है। और आपकी बात करें गाइस, तो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ से निकल पाना मुश्किल भी है और साथ रह पाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनको ये लगता है कि रहते हैं साथ तो कुछ समय तक तो सब ठीक रहता है, फिर लड़ाई झगड़े मन मुटाव शुरू हो जाता है। आप उन पर शक करने लगते हैं, वो आप पर शक करने लगते हैं। और अगर आपसे दूर जाने का सोचते हैं तो वो भी इनसे नहीं हो पाता, पूरी तरह से इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये खुद ही स्टक हो गए हैं ऐसे रिश्ते में। देखिए, आपको भी यही होगा कि आप भी चाहते हैं रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना, तो आपसे भी नहीं हो पाता। स्टक यहाँ पर आप भी हैं, ना साथ रह पा रहे हैं, ना पूरी तरह से इनसे अलग हो पा रहे हैं। और इनका भी वही हाल हो गया है, आपसे कहीं ज़्यादा स्टक तो आपके पर्सन दिखाई देते हैं। और ये भी होता होगा गाइस कि कुछ समय के लिए बिल्कुल आपसे दूरी बना लेते हैं, बिल्कुल बातचीत बंद कर देंगे, बिल्कुल समय देना बंद कर देंगे। लेकिन क्या होता है, ये भी रह नहीं पाते तो घुमा फिरा कर फिर बातचीत शुरू हो जाती है। फिर ये आपके साथ कुछ समय अच्छी तरह से रहते भी हैं, अच्छी तरह से समय भी आप दोनों का बीतता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनको वही लगता है कि ये ऐसा रिश्ता है जहाँ से निकलना भी मुश्किल है, जहाँ खुशी से रह पाना भी मुश्किल है। यहाँ हो सकता है गाइस आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए क्या होता है, इनको लगता है कि आपसे अभी अलग रहेंगे, लेकिन फिर कुछ समय बाद इनको आपकी ज़रूरत महसूस होने लगती है और किसी तरह से इस रिश्ते में वापस आ जाते हैं। देखिए, इनके लिए दुनिया में हर चीज़ छोड़ना आसान है। ये जो सोच लेते हैं उस चीज़ को छोड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं, इनके लिए वो आसान होता है। लेकिन यहाँ आपको छोड़ पाना इनके लिए बहुत कठिन है, ये इनको लगता है। आपके मामले में ये क्या होता है कि लाचार से हो जाते हैं। कितनी भी बार ये सोच चुके हैं मूव ऑन करना है, आपकी तरफ अब नहीं बढ़ना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। फिर आपको मिस करते हैं, फिर इनको लगता है कि आपका साथ होना चाहिए। तो ये ऐसा है कि यहाँ पर रिश्ते में ये भी पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, नए लोगों को डेट करना चाहते हैं और आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आपका साथ छोड़ दिया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में चलता है। ये ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। इनको इनका वही है कि ये खुद लाचार से हो गए हैं कि कैसे क्या किया जाए जो इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकल पाएँ, क्योंकि इस रिश्ते को छोड़ पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इनका इरादा नहीं है आपके साथ रिश्ते में रहने का। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और किसी और को डेट करें, किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और हो सकता है गाइस कि आपको कोई कमिटमेंट वगैरह दे रखा है या कोई वादा कर दिया कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी कारण है कि अपनी जान यहाँ से नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इनको ये लगता है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो जिसको समझ पाना इनके लिए मुश्किल है। आप वैसे नहीं हैं कि हमेशा एक ही तरह के रहेंगे, कभी भी आपका मूड बदल जाता है। कभी आप बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़गी आप में रहती है। और कभी आप ऐसे बन जाते हैं जैसे इनको नहीं जानते, इतना गुस्सा आपके अंदर बढ़ जाता है। और कभी ऐसा हाल रहता है कि आपका जितना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा आप दिखाते। तो इनको लगता है कि आपको समझ पाना मुश्किल है, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं और ये समझ नहीं पाते कि कब कौन सा भाई आप रूप धारण कर लेंगे, ऐसा इनको लगता है। या आपको ये इतने समय में भी समझ नहीं पाए कि कब आप गुस्सा हो जाएंगे, कब खुश हो जाएंगे। तो ये सब को सोचकर इनको लगता है ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रह पाना कठिन है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप में धैर्य की कमी है। वो ऐसे हैं कि गुस्सा रहें या खुश रहें जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, और आप ऐसे हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो उनको ये लगता है कि अरे आप में वही है कि जो अभी चाहिए वो अभी चाहिए,
आपको अगर अभी बात करनी है तो आपको अभी ही बात करनी है, आप उसके लिए रुक नहीं सकते। जबकि उनका ऐसा नहीं, उनका खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। वो अगर सोच लेंगे कि नहीं आज बात नहीं करनी, तो फिर उनकी कितनी भी इच्छा हो आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि आप में धैर्य की कमी है और बचपना बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते उनकी, और ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, रिश्ते में परेशानी भी आती है। जल्दी से आप किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, उस चीज़ को सोचे समझे बिना आप समझ लेते हैं कि ऐसा ही है, जो भी झगड़े का कारण बन जाता है। और कहीं ना कहीं आपको इन पर शक भी होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, किसी चीज़ में बिजी हैं और समझा रहे हैं आपको, उस चीज़ को आप समझते नहीं, शक करने लगते हैं कि कहीं इसी किसी और के साथ ये जुड़ गए हैं, किसी और को समय दे रहे हैं, तो सारी बातें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। तो उनको लगता है ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रह पाना उनके लिए मुश्किल है। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान हैं। और ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से क्या है, सही चीज़ को आप सही नहीं देख पाते, आपके दिमाग में उल्टी बातें चलने लगती हैं, गलत चीज़ें फिर आपके दिमाग में चलने लगती हैं। इतना ज़्यादा आप सोच विचार कर लेते हैं, जो चीज़ सही है उसको वैसा आप नहीं समझ पाते। आपके दिमाग में अगर ये समय नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, ये किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और को समय दे रहे हैं इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि उनके पास भी काम है, उनके साथ भी परिवार है, वो भी किसी परेशानी में फंसे हैं या कहीं बिजी हो गए हैं। अगर वो सच्चाई बताएंगे भी तो भी आप क्या है यकीन नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों से वो परेशान होते हैं। इनको ये लगता है गाइस कि कभी कभी नो रीज़न आप इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है फिर इनके लिए वो परेशानी बन जाता है। इनका काम में फिर ध्यान नहीं लग पाता, बार बार इनका ध्यान उन्हीं चीज़ों में जाता है और ये बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते, ऐसा भी इनको लगता है। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के रिश्ते में पैसों का लेन देन हुआ है, आपका और आपके पर्सन का, या आपको उन्होंने पैसे दिए या आपने उनको पैसे से मदद की है, इस वजह से भी ये इंसान अटक गए हैं, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर यही है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, अपने लिए जीवन जीने वाला ये इंसान है। आप चाहे इनके लिए कितना भी करो, इनके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं होगा। जब तक इनका फ़ायदा है तभी तक ये आपके साथ रहेंगे, ये इनका ऐसा नेचर ही है। आपके ही मामले में नहीं, हर किसी के लिए ऐसे ही हैं, जहाँ फ़ायदा है वहाँ पर ये टिकते हैं। और आपने जब इनके लिए करना बंद कर दिया तो देखेंगे आप कि इनका रवैया बदल जाएगा, या फिर आपने इनसे पैसे ले रखे हैं तो ये जब तक उन पैसों को घुमा फिरा कर आपसे नहीं निकलवा लेंगे, ये आपको छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो ये किसी तरह से इनका वही है गाइस, चालाकी है इस इंसान में। और यहाँ पर पैसों का बहुत ज़्यादा, पैसों के लिए इनका दिमाग चलता है। कहीं पर भी पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप इनको बीच बीच में ऐसा है कि हेल्प करते रहते हैं, आपसे फ़ायदा मिलता रहता है, इसलिए भी ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे फ़ायदा है। जब आपके सामने हाथ फैलाएंगे आप इनकी मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से चालाक है ये इंसान और अपना मतलब ही निकालता है। और आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी दिखाई देती है गाइस, या तो ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं, ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका परिवार है। तो यहाँ पर इनका ऐसा हाल है, आपको भी खुश रखते हैं, उधर अपने परिवार को भी खुश रखते हैं, फ़ायदा दोनों तरफ से है। अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हैं तो खुश उनको भी रखते हैं, वहाँ से अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो वही है कि चालाक बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये इंसान इन सबसे परेशान भी है गाइस। देखिए, इनको ये लगता है कि पहले ही इन पर जिम्मेदारियाँ थी, अगर किसी और के साथ मैरिड है तो भी जो यहाँ थर्ड पार्टी है इनके साथ, उनकी जिम्मेदारी तो इन पर थी ही, चाहे परिवार थर्ड पार्टी हो। कहाँ से कहाँ आप इनकी लाइफ में आ गए, ऐसा भी इनको कभी कभी लगता है। क्योंकि आपसे भी अगर फ़ायदा मिल रहा है तो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वहाँ भी संभालना है, उनको भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। तो ये खुद ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये किसके किसके लिए कितना करें। और देखिए, काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है कि इंसान पैसों की समस्या से भी जूझ रहा है। जो इनका ध्यान पैसों पर रहता है तो भी इसे कितना भी ये मेहनत करें, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पैसों की समस्या इनको है। और देखिए, कभी कभी ये भी होता है गाइस कि आप इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, चाहे कुछ भी हो आप दोनों के बीच, तो आप इनकी वजह से दुखी हो जाते हैं, तो वहीं पर इनका काम भी बिगड़ने लगता है, ऐसा इनको लगता है। या आप शायद ऐसा है कि आपकी, आप इनको अपने, आप मुँह से नहीं कहते लेकिन आपकी आत्मा से तो निकलेगा ही कि इनके लिए भी गलत आप सोचेंगे, इनको भी बद्दुआ देंगे ही, आपको दुखी करेंगे। तो ऐसा तो होता ही है, हर किसी के साथ ये है। तो इनको लगता है तब इनका काम बिगड़ने लगता है, आपकी बद्दुआ इनको बहुत जल्दी लग जाती है। तो इनको अभी भी पैसों की समस्या चल रही है, तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से आप इनको बद्दुआ देते हैं, इसीलिए इनका काम नहीं बन पा रहा, पैसों की दिक्कत इनको हो रही है। और जब भी इनके साथ ऐसा होता है तो इनको यही लगता है कि आप ज़रूर बद्दुआ दे रहे हैं,
कि जब भी आपको, क्योंकि ये तो आपको हर्ट करते ही रहते हैं, हमेशा खुश रखते हैं ऐसा तो है नहीं। इनको भी समझ में आता है कि इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते ही हैं इनकी हरकतों की वजह से, तो इनको यही लगता है कि आप बद्दुआ देते हैं और इनका काम बिगड़ने लगता है। और इस डर की वजह से भी ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं गाइस। इनको लगता है कि अगर ये आपसे थोड़े समय भी अलग होते हैं तो इनके साथ गलत होना शुरू हो जाता है, तो हमेशा के लिए अलग अलग अगर हो गए तो पता ही नहीं क्या होगा और कितनी परेशानियां इनकी लाइफ में आ जाएंगी, कितना कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा। तो इस डर से भी ये इंसान आपके साथ अटका हुआ है, पूरी तरह से आपको छोड़कर आज तक अलग नहीं हो पाया, डरता भी है कहीं ना कहीं कि लाइफ में और ज़्यादा गड़बड़ ना शुरू हो जाए। और देखिए, इस इंसान का पूरा ध्यान तो पैसों पर रहता है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा तो महत्व ये पैसों को ही देते हैं। और देखिए, इनके साथ ये होता है कि जब भी आपके साथ रिश्ते में थोड़ी भी परेशानी आई तो इनको पैसों का ही नुकसान पहले होता है, इसीलिए ये डरते हैं। और इनका ध्यान तो सारा टाइम पैसे पर ही है, उसी के पीछे भागते रहते हैं, तो ये इसीलिए डरते हैं कि भाई आप कहीं दुखी ना हो, आपको हर्ट नहीं करना है, कहीं आप हर्ट हुए तो सबसे पहला नुकसान पैसे से ही शुरू होता है और ये उसी के लिए मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका हाल जरा ऐसा है कि ये पूरी तरह से फंस चुके हैं आपके साथ रिश्ते में आकर। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लकी भी मानता है। देखिए, आपके साथ जुड़े रहना, आपके साथ संबंध को बनाकर चलने में इनका फ़ायदा है, ना पैसों की दिक्कत रहती, ना परिवार में समस्या रहती, ना लाइफ में और प्रॉब्लम रहती। तो अगर ये अभी आपसे अलग हो गए हैं, यहाँ सेपरेशन अगर हो चुका है, तो ये वही सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और अगर जुड़े हुए हैं, बीच बीच में संबंध खराब होता रहता है और अभी कहीं ऐसा कुछ चल रहा है, तो इनको यही लग रहा है भैया आपको मना लेने में ही भलाई है, आपके साथ रिश्ता खराब रखकर अपना नुकसान करवाना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके लिए लकी भी हैं। ये किसी को कहते नहीं लेकिन ये मानते हैं आपको लकी। इनको लगता है आपके साथ जुड़े रहना मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा इनको मिलता रहता है। तो अभी वही है कि अगर अलग हो चुके हैं तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये अभी आपको स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अगर पूरी तरह से अलग हैं तो आपके बारे में जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आप पर नज़र रखी जा रही है ताकि समझ पाएँ कि अभी क्या चल रहा है आपके साथ, और उसी हिसाब से फिर आपसे बातचीत शुरू करेंगे। अब देखिएगा, इस आपको सुनने में बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन आपकी पर्सन की सोच ये है कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है। ये थोड़ा सा विरोध हो देते हैं आपके सामने तो आप पिघल जाते हैं, सारा गुस्सा भूलकर इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसा ही करके आपसे पैसे वगैरह की भी मदद लेते रहते हैं। ये भी हो सकता है, चाहे पास में लिया हो या अभी भी जुड़े हैं तो लेते रहते हैं, थोड़ा सा दुख बता दिए तो आप पिघल जाते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। तो इनको क्या लगता है, आपके साथ जुड़े रहने में फ़ायदा भी है क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है। अभी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां तो हैं गाइस, पैसे की समस्या परिवार में भी शायद हो सकता है और भी कुछ समस्याएं भी इनके साथ हो सकती हैं, तो समस्या भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ जाना, क्योंकि इनको पता है कि आप ही के साथ सुकून मिलेगा और आप इनकी समस्या को हल करने में इनकी मदद करते हैं। इनको लगता है कि आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी से ये अपने आप को संभाल पाएंगे, अपनी समस्या से ये बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही ऐसे रहे हैं इनका साथ देने वाले, तो फिर ये इनकी लाइफ की परेशानी ख़त्म होगी, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपके अलावा कोई सहारा इनको नहीं दिख रहा है। तो आप कभी भी ये मत समझना गाइस कि आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे और ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, नहीं, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं इनके लिए, इसीलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अगर अलग हो चुके थे तो, क्योंकि इनको पता है कि आज ही समस्या में हैं वहाँ पर आप ही इनकी मदद करेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये प्यार के भरोसे आपके साथ रह जाएंगे, नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, आपसे फ़ायदा लेता रहेगा, तभी आपके साथ जुड़ा रहेगा, जिस दिन आप फ़ायदा देना बंद कर देंगे उस समय ये मुंह मोड़कर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई उम्मीद इनसे मत रखना, क्योंकि जब जब आप इनसे उम्मीद किए हैं तब तक आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं, तो बिना किसी उम्मीद के आप इनकी सहायता कर सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है गाइस, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हैं, किसी की भी मदद करना है कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बदले में ये मत सोचना कि वो भी कभी आपके लिए कुछ करेगा, उम्मीद किसी से मत करना, नहीं तो आपको हर्ट होना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऐसे इंसान के साथ अगर रिश्ते में रहना है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा, इमोशनल होकर रहेंगे तो बस रोते ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं गाइस, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, कॉल मैसेज ये आपको करेंगे ऐसा दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।